वो जगह जहां आज भी रहता है जयपुर का शाही परिवार। जी हाँ, आपने एकदम सही पहचाना। अभी मैं आया हूँ जयपुर के सिटी पैलेस में। दोस्तों, अभी अभी पता चला है जिस रेस्टोरेंट में मैं बैठा हूँ वहीं जस्ट अभी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आई हुई हैं। क्या आपने तारे ज़मीन पर देखी है मूवी? उसमें जो ईशान अवस्थी की मॉम का रोल किया है इसका चोपड़ा, वो हैं अभी जस्ट मेरे सामने, लंच कर रही हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं इस रेस्टोरेंट की जिसमें मैंने अभी विजिट किया है। तो इस कैफ़े का नाम है बारादारी कैफ़े। जब कभी भी जयपुर के सिटी पैलेस में आप विजिट करोगे तो आपको एंट्री करते ही राइट साइड पर ये कैफ़े दिख जाएगा। सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने से पहले आप यहाँ लंच कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे प्राइस थोड़ा हाई लगा और फूड की क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। मैं सच ही बोलूँगा इस व्लॉग में, अपने व्लॉग्स में कभी ऐसा नहीं होता कि सब अच्छा ही होता है। जब आप व्लॉग बनाते हो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं तो उसको भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो। खैर, अब मैं बात करूँगा इंटीरियर से एक्सटीरियर तक एक नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ आकर आप अंदर बैठ कर या बाहर बैठ कर अपना लंच वगैरह कर सकते हो। आप अंदर भी बैठ सकते हो और बाहर भी बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और ये फिशेज़, आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड दिखेगा जहाँ पे कुछ कमल के फूल हैं और यहाँ पे फिशेज हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलने वाला है। तो आप जब भी आप विज़िट करो सिटी पैलेस में तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। हेलो एवरीवन, अभी हम आ चुके हैं सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में मैं एंट्री कर चुका हूँ। सबसे पहले सिटी पैलेस में एंट्री करने के बाद यहाँ मैं कैंटीन, ये है बारादारी, बारादारी करके एक कैफ़े है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। देन उसके बाद जस्ट उसके सामने अपने आपको लेकर आया हूँ। इसको बोलते हैं दीवाने खास। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का दीवाने खास कैसा है। और ऊपर देख रहे हो आप, ऊपर जो दिख रहा है क्या है वो, वहाँ पर रॉयल फैमिली अब भी रहती है। यहाँ दोस्तों ऊपर की तरफ रॉयल फैमिली अब भी रहती है। और वीकली निकलते हैं, पूजा पाठ जो भी होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत वो सब करते हैं। और वहाँ जाना अलाउड नहीं है, मतलब स्पेशल एक टिकट लेना पड़ता है। और बिल्कुल वहाँ के कुछ हद तक ही जा सकते हैं, पूरा हम नहीं जा सकते सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। सो खैर बहरहाल, उसके बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दीवाने खास। सो आइए देखते हैं। यहाँ आकर आप देखोगे कि यहाँ की दीवार पर बहुत अच्छा पेंट हो रखा है। दीवारों पर वाइट लाइंस बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और यहीं आपको दो बड़े बड़े चांदी के मटके भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ की दीवारों पर हथियारों से एक अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। दीवारों पर वाइट पेंट्स है, ये जगह पूरी जगमगा उठी है। ये देख रहे हो दोस्तों आप, यही वो दो मटके हैं जिसको राजा अपने दूर के सफ़र के में यूज़ किया करते थे। जब भी उनको कहीं दूर का सफ़र करना होता था तब वो इन मटकों को यूज़ किया करते थे, क्योंकि वो नॉर्मल पानी नहीं पीते थे तो उनको चाहिए होता था गंगा जल, और वो भी बड़ी तादाद में। और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार है। तो दोस्तों राजा जो थे वो गंगा जल ही पीते थे, तो जब भी कहीं सफ़र पर जाया करते थे तो ये दो जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं मेरी हाइट से भी ऊपर है, मेरे से ऊँचा ही है, तो इसको अपने साथ में लेकर जाया करते थे लंबे सफ़र के लिए। यहाँ आप देखोगे बंदूक है, भाला है और बीच में तीर है, तीर कमान जिसको बोलते हैं। तो उससे एकदम फूल का सा डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है जो बहुत ही सही लग रहा है देखने में। और ऐसे ही और डिज़ाइन यहाँ पे यहाँ की दीवारों में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अब चलते हैं सभा निवास के अंदर और इसके अंदर देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलने वाली हैं। तो आइए इसके भी दर्शन कर लेते हैं, एक एक करके हम सब देखेंगे। ये एंट्री करते ही हमारा ये गेट बना हुआ है जो कि काफ़ी पुराना है। तो अंदर आपको काफ़ी सारी चांदी की कुर्सियाँ देखने को मिलेंगी और कई राजाओं की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और उनके पुरस्कार भी आपको अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है ये अभी इस गैलरी से होते हुए अंदर एंट्री होती है और इस गैलरी में भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है सभा निवास। सभा निवास, इसके अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अंदर हम होके आ चुके हैं बट वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। उसके 500 रुपये चार्जेस हैं इन्होंने, इसलिए मैं कोई वीडियो या फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाया। सो जो मैंने पैसे पे किए हैं वो किसके लिए किए हैं? इस ग्राउंड में धूप में नाचने के लिए नहीं। देखना तो अंदर ही होता है, मेन चीज़ तो अंदर की ही होती है, बट उसके वो क्लिक नहीं करने दे रहे हैं, मना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो अंदर देखा बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी। ये राजा जहाँ बैठते थे, जहाँ उनके वीआईपी गेस्ट आते थे, उनकी चेयर्स, चांदी की चेयर, सारी सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली। बड़ा झूमर था,
झूमर जो सेकंड नंबर पे आता है वो था, पहले नंबर पे बता रहे थे कोई ग्वालियर में झूमर है वो सबसे बड़ा है। तो इसी टाइप से हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं तीसरे स्पॉट पर। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसको बोलते हैं मुबारक महल। मुबारक महल की हिस्ट्री क्या है इसके अंदर जाके हम पता लगाते हैं। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, इस पीछे महल के भी अंदर मैं होके आ चुका हूँ और यहाँ पे भी सेम वही है कि म्यूज़ियम बनाया हुआ है। कपड़े हैं राजा के, रानी के, कुछ अवार्ड्स हैं जो उनको मिले थे उस टाइम पे। पोलो खेलने का बहुत शौक था महाराजा जयसिंह को, तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना दी गई है। बट फोटो और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो इसके अंदर की भी नहीं बना पाया। सो आप आओ तो यहाँ भी जा सकते हैं। मुबारक महल सवाई मधु सिंह टू ने इसका निर्माण कराया और उनके स्पेशल गेस्ट के लिए ठहरने के लिए इसको बनवाया था। गेस्ट हाउस है उस समय का, लेकिन अब इसको भी म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। तो दोस्तों, यही है राजा मधु सिंह टू। ये जो पहला फ़ोटो आपने देखा, यही है वो राजा जो अपने साथ दो चांदी के बड़े बड़े मटके लेकर जाया करते थे। जिस चौक में मैं अभी खड़ा हूँ इसको बोलते हैं प्रीतम निवास चौक। यहाँ अंदर एक छोटा सा कोर्टयार्ड है और यहाँ आपको कुछ स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत गेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ आकर लोग फोटोशूट करते हैं, आप भी फोटोशूट कराना मिस नहीं करना। तो फ्रेंड, जिस प्राइवेट किले की मैं बात कर रहा था, जहाँ अभी भी रॉयल फैमिली रहती है, वो जस्ट मेरे पीछे है। और इसका ऊपर जाने का टिकट कुछ अलग से है, कुछ अलग से सिस्टम सिक्योरिटीज वो उन सब का चक्कर है। बट आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो, इतने क्लोजअप से देख सकते हो आप, इतना क्लोज तो एटलीस्ट आप आ ही सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। उसी के नीचे इस ग्राउंड में तीन चार गेट्स हैं जो फोटो पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पर भी आप आकर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। ये देख सकते हैं आप, ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो जो यहाँ के प्राइवेट मतलब जो राजा हैं, यहाँ की रॉयल फैमिली है, उनका खुद का झंडा है। कैसे हैं मैम आप? सो दोस्तों, जब आप यहाँ पे घूमोगे सिटी पैलेस में, तो आपको एक से एक चीज़ देखने को मिलने वाली तो है ही, और एक फोटो शूट स्पॉट भी आपको एक देखने को मिलेगा। ये है मेरे पीछे पिंक कार, और जहाँ पे आप आकर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। चश्मा है लेकिन पहनना भूल गया हूँ, पहन लिया लो। क्या कह रहे थे, तो यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, बहुत अच्छा फ़ोटो शूट स्पॉट है। चलते हैं आप नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। सो फ्रेंड्स, सिटी पैलेस होता है यहीं ख़त्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या देख रहे हो बे, ख़त्म।